गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए आइए। हम लोग लेक्चर 3 कर रहे हैं फिजिक्स का, यानी कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है। हमने कंप्लीट किया है आपका एरर एंड मेजरमेंट कंप्लीट किया है, और सेकंड हमने कंप्लीट किया है मोशन इन वन डी। अब हम लोग करने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम लोग न्यूटन के जो 3 सिद्धांत है लॉज ऑफ मोशन, इसमें हम लोग न्यूटन के जो 3 सिद्धांत है उसको हम लोग बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं फोर्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कि फोर्स आखिर होता है। ठीक है, चलो एक कहानी से स्टार्ट करेंगे। कहानी में ये है आप और ये है आपका चुनाव। ठीक है, आपका क्या काम था? आपका काम था ये जो बक्सा है उसको यहाँ से यहाँ ले जाना। ठीक है, यहाँ से यहाँ ले जाना आपका काम था। आपको मम्मी ने काम दिया, आप आए बक्से पर रस्सी बांधे और बक्से को खींचने लगे। ठीक है, आपने अपनी इतनी चोटी का जोर लगाया, बक्से को खींचा, लेकिन बक्सा तस से मत ले, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक, आप अपने छोटे भाई को आवाज़ लगाते हो, छोटू आज आपको भी जोर लगा। छोटू आता है, जोर लगाता है। ठीक है, बक्सा क्या हुआ? बक्सा इधर से इधर स्पेस। ठीक है, तो आपको अपनी मम्मी की तरफ से कुछ इनाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में देखते हैं कि आपने क्या किया। आपने बक्सा को इधर से उधर कैसे करना, आप पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। ठीक है, तो आप एक फोर्स लगा रहे हो। फोर्स जब आप लगाओगे तब बक्सा हिलने का नाम लेगा। ठीक है, आपको लगेगा कि भाई फोर्स कम है मेरी तरफ से, तो आपने छोटू को आवाज़ दिया, छोटू आया और पीछे से लग गया, वो कुशिंग फोर्स लगा रहा है। ठीक, तो दोनों ने जब फोर्स लगाया तब जाकर के बक्सा क्या हुआ, डिस्प्लेस होना स्टार्ट किया। जब डिस्प्लेस हुआ तब जाकर के बक्सा यहाँ। व्हाट इज द फोर्स? फोर्स इज द एनी पुश और पुल। ठीक है, तो एक फोर्स या पुल एरिया ऑब्जेक्ट जो होता है उसको हम लोग फोर्स कहते हैं। ठीक है, पुश मतलब धक्का देना और पुल मतलब अपनी तरफ खींचना। ठीक है, चलो अब सेकंड हमारे पास आता है व्हाट आर द इफेक्ट्स फोर्स के। क्या क्या इफेक्ट्स फोर्स के इफेक्ट्स हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। ठीक है, तो बिना कुछ पढ़े आप ये समझ लो कि आपको कुछ भी नहीं आता। ठीक, आपको फोर्स लगाना है। कोई भी एक बॉडी मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, बैटिंग आप धोनी, मान लो आप धोनी हो, आप क्या करते हो? छक्का मारते हो। ठीक है, तो हर एक चीज बताओ कि क्या हो रही है। आपने बल्ले को भाजा तो क्या होगा? गेंद आपकी तरफ आई, ये जो बॉल है वो आपकी तरफ आई, आपने बल्ले को भाजा। ठीक है, गेंद, अब देखो बॉल जो है वो आपकी तरफ आई, आपने बल्ले को भाजा और बॉल ऐसी चली गई। ठीक, तो ये जो आपने बल्ले को जब भाज रहे हो तो वो तो एक फोर्स ही है ना, वो फोर्स ही है। ठीक, अब देखो बॉल पे वो क्या क्या इफेक्ट कर रही है। सबसे पहले बॉल इधर जा रही थी, इधर से इधर चली गई। ठीक है, पहला भाई आपने फोर्स लगा के क्या किया, बॉल का डायरेक्शन बदल लिया ना, डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। क्या किया? डायरेक्शन, एक मिनट पेन बदल लेते हैं, पीला थोड़ा सा उतना चमक आ लिया है। ठीक है, डायरेक्शन आपने चेंज कर दिया। ठीक है, फोर्स लगाया और डायरेक्शन चेंज। ठीक, सेकंड देखो, पता नहीं किस गति से आ रही थी, जो गति थी पता नहीं किस स्पीड से आ रही थी, आपने स्पीड भी चेंज कर दिया। ठीक है, डायरेक्शन तो चेंज हुआ ही, आपने क्या किया, स्पीड भी चेंज कर दिया। डायरेक्शन चेंज तो हुआ ही, स्पीड भी चेंज हो गया। ठीक है, तो बस ऐसे ही करके सोचते रहो कि आप क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक, इन दो चीज से आपको दिख जाए कि आप डायरेक्शन भी चेंज कर दिया, आपने स्पीड भी चेंज कर दिया। वैसे और क्या क्या कोड कर सकते हो? समझ लो एक बॉडी ऐसे पड़ी हुई है, आप इसको फोर्स लगा के क्या कर सकते हो? आप इसको फोर्स लगा के डिस्प्लेस कर सकते हो, यानी कि इसमें मूवमेंट पैदा कर सकते हो ना, आप इसमें क्या कर सकते हो? मूवमेंट पैदा कर सकते हो। ठीक है, यानी कि फोर्स मूवमेंट भी पैदा कर सकता है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है और स्पीड भी चेंज कर सकता है, इतना तो हमें पता लग गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक, बुक में कहता है अ फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, यानी कि मूवमेंट पैदा कर सकता है, मूवमेंट पैदा भी कर सकता है और मूवमेंट खत्म भी कर सकता है। यानी कि बॉडी अगर रखी हुई है तो इसको मतलब मूव करा दिया, और मूविंग बॉडी है, समझ लो खुद ही मूव कर रहा है, तो आप पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगा करके इसको क्या कर सकते हो? स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, अगर स्टॉप है तो आप इसको क्या कर सकते हो? मूविंग बॉडी बना सकते हो, मूविंग बॉडी। और अगर ये मूविंग है तो आप फोर्स लगा करके, फोर्स लगाए ये क्या हो गया, अरे ये मेरा पेन कहाँ चला गया, इसको पहले मैं थोड़ा सही करता हूँ, यार ये हो क्या गया,
एक मिनट रुक जाइए, आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, जो बॉडी स्टॉप थी, स्टॉप टू मूवमेंट, स्टॉप से मूवमेंट, ठीक है, इसकी मूवमेंट आ गया, और जो मूवमेंट था इसको इसको यानी कि उल्टा कर सकते हो, इधर से इधर भी कर सकते हो, इधर से इधर भी कर सकते हो। फोर्स कैन मूव द स्टेशनरी बॉडी, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, ये दोनों आपका क्या हो गया, एक प्रकार का ही हो गया, ठीक है। अ फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, देखो जब जब समझ लो फुटबॉलर है, अब धोनी को हटा, अब रोनाल्डो को ले आओ, क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, समझो किक मार रहा है बॉल, ठीक है, बॉल इधर से इधर आई और ये किक मारा, किक मारता है बॉल गोली की रफ्तार से चली जाती है गोल पोस्ट, गोल हो जाता है, ठीक है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी, स्पीड तो चेंज कर ही सकती है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। फोर्स आया तो क्या हुआ, स्पीड चेंज होगी ना, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडी एंड इट कैन चेंज द डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदल दिया, बॉल ऐसे आ रही थी, रोनाल्डो ने मारा, बॉल इधर चली गई, ठीक है। तो क्या हुआ, एक डायरेक्शन भी बदल गया, फोर्स से क्या हुआ, डायरेक्शन भी बदल गया, ठीक, स्पीड बदल गया, स्पीड चेंज हो गया और डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन लिखते रहे, डायरेक्शन, डायरेक्शन भी बदल गया, ठीक है। फोर्स से क्या हुआ, डायरेक्शन भी बदल गया, ठीक है। अब देखो, समझ लो रोनाल्डो ने बॉल को मारा, ठीक है, बॉल को बहुत ध्यान से देखो, समझ लो रोनाल्डो ने बॉल को मारा, बॉल को अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मैं बॉल क्योंकि बॉल पहले ऐसे डिफॉर्म हो गई थी, ठीक है, बॉल आई ऐसे गोल गोल आएगी और ऐसे डिफॉर्म हो जाएगी, ठीक, थोड़ी देर के लिए डिफॉर्म हो जाएगी और फिर जब बॉल जाएगी तो ऐसे गोल होकर के ऐसे जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है ना कि इट कैन चेंज द शेप एंड साइज, शेप एंड साइज बदल गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि भाई शेप एंड साइज कैसे बदल सकता है, जहाँ बैठे हो ना, फोम, एक फोम होगा तुम्हारे पास, जो कुर्सी पर बैठे होगे उसमें फोम लगा होगा, उस फोम को देखो, फोम पे ऐसे टच करो, देखोगे वो फोम क्या होगा, डिफॉर्म कर गया, इसका शेप एंड साइज क्या हो गया, शेप एंड साइज क्या कर गया, बदल गया, शेप एंड साइज चेंज, डिफॉर्म कर गया, दैट इज अ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स, ये सब चीजें जो भी मैंने लिखा है, फोर्स इट कैन डू ऑल दिस, फोर्स इतनी चीजें क्या कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो आई थिंक टू टॉपिक्स हमने कवर कर लिया है, व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, क्या क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक। तो बेसिकली फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, ठीक, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, नीचे जाकर के आराम से उसको एक उसमें लेते हैं कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, ठीक है। चलो ऊपर ही क्या करते हैं ना, नीचे अगर थोड़ा सा वो हो जाता है, ऊपर ही हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा मैं आपको खुद से एक एग्जाम्पल से खुद से बता देता हूँ और वो एग्जाम्पल लूँगा रोनाल्डो का, ठीक। समझ लो कुछ नहीं करना है, समझ लो अगर एग्जाम में आता है वाटर टाइपर टॉपिक आपको भूल गया है, ठीक है। तो मान लो कि ये बॉल आई रोनाल्डो के पैरों पे पड़ती है ऐसे, और फिर क्या हो जाता है, ये बॉल चली जाती है इधर गोल पोस्ट पे, गोल हो जाता है, यहाँ पे क्या हो गया, गोल हो गया, ठीक है। तो गोल, ये देखो ये बॉल आई, ठीक है, तो हिस्टोरिकल शेप था, इसका शेप बदल गया, शेप बदल गया ड्यू टू फोर्स, ये क्या है, यहाँ पे फोर्स लगाया ना, ये जो रोनाल्डो था ये फोर्स ही तो लगा रहा है, शेप बदल गया, तो पहला लिख दो, देखो इधर से आ रही थी, ठीक है, 20 से आ रही थी और आया तो गोली की रफ्तार से, ठीक है, बुलेट स्पीड से भाग गया, बुलेट के स्पीड से भाग गया, गोल पोस्ट पे भाग गया, पता भी हवा भी नहीं लगा, किसी को हवा नहीं लगा, कैसे हो गया। तो यानी कि भाई उसने क्या किया, शेप को बदला ही, इसने वेलोसिटी यानी स्पीड भी बदल दी, स्पीड भी बदल दी, और बॉल आ रहा था ऐसे और भाग गया ऐसे, यानी कि डायरेक्शन भी बदल गया, डायरेक्शन भी बदल गया, ठीक है। तो ये तीन तो बिना कुछ सोचे समझे सिर्फ एग्जाम्पल से ही सकते हो तुम लोग, हाँ, बस इतना तो कम कर लिया, ठीक है, बाकी बहुत आसान है, ठीक। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स, बहुत आसान है, फोर्स क्या क्या कर सकता है खुद ही सोचो, बहुत कुछ, ठीक है। अब देखो हमें अब टाइप ऑफ द फोर्स, ठीक, देखो जो टाइप है ना फोर्स के, जो टाइप है वो पहले दो कैटेगरी में डिवाइड है, पहला है तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरा है तुम्हारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे तुम्हारे नाम से ही पता लग जाए यार, कॉन्टैक्ट होगा तो फोर्स होगा, ठीक। उसमें क्या क्या आ जाता है तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, आदमी आदमी ये बास्केट लेकर के मॉल में शॉपिंग करने जा रहा है,
ठीक है, ये कॉन्टैक्ट कौन सा यार तुम्हें दिख रहा है ना कि कॉन्टैक्ट हुआ है, कॉन्टैक्ट इन दोनों के यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट है कॉन्टैक्ट हुआ तभी तो पोर्टल है। ठीक है, मॉल में शॉपिंग करने जा रहा है तो कुछ ऊपर से करोगे तो मतलब जो तुम्हारा वो है वो आगे तो बढ़ नहीं जाएगा। ठीक, यानी कि कोई कॉन्टैक्ट लग रहा है तभी तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। स्प्रिंग फोर्स देखो, ये तुमने बॉल स्प्रिंग में डाला और ये नीचे हो गए। ठीक है, वो भी ना मतलब इलोंगेट कर गई स्प्रिंग, क्या कर गई इलोंगेट कर गई। ठीक है, ये भी तो एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब बॉल डालोगे फोर्स पड़ेगा तभी तो इलोंगेट करेगी। ठीक है, तो तुम्हारा अप्लाइड फोर्स, एक तुम्हारा अप्लाइड फोर्स हो जाएगा, अप्लाइड फोर्स है भाई। ठीक, स्प्रिंग फोर्स भी है तुम्हारा, इस प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है। ये देखो फ्रिक्शनल फोर्स, एक तुम्हारा कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शनल, बहुत है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया है, फ्रिक्शनल। ठीक है, कॉन्टैक्ट हुआ तभी तो फ्रिक्शनल फोर्स की चीज लगा, हम लोग अभी आगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ड्रैग फोर्स देखो। ठीक है, सब जो भी लिखा है सब पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। नॉर्मल रिएक्शन बक्से पे, ये देखो टेबल के ऊपर ये बॉक्स रखा है, बॉक्स के ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, उसको हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। अप्लाई फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, मस्कुलर फोर्स भी होता है, तुम्हारे इसमें नहीं दिया लेकिन फिर भी होता है। मस्कुलर फोर्स भी एक प्रकार का कॉन्टैक्ट फोर्स है, अप्लाई फोर्स में आ जाएगा मस्कुलर फोर्स भी। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया तुम्हारा, एक प्रकार का हो गया कॉन्टैक्ट। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, बचपन में मैग्नेट के साथ खेले हो गए ना, खेले हो जैसे समझ लो एक मैग्नेट इधर तुमने रख लिया और एक मैग्नेट इधर रखा, उसमें मजा आता है, बिना इसको छुलाए ही ये भागने लगता है ना। ठीक है, और बिना इसको छुलाए ये चिपक जाता है, दोनों के इसमें मजा आता है। ठीक, तो वो तुम्हारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। तुम इसको जानते थे पहले, जानते थे कि यार इसके पास ले जाएंगे ना, ऐसे पास ले जाएंगे तो और दूर जाएगा, पास ले जाएंगे और दूर जाएगा, मजा आता है ये करने में। ये तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स जो भी कहते हो, इलेक्ट्रिक फोर्स। और तीसरा है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये सब है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, जैसे कि सेब है, सेब है यहाँ पे, सेब है। ठीक है, लाल से बना देते हैं सेब, लाल से है सेब। ठीक है, ये जमीन है, जमीन तुम्हारी काली है। ये जब पेड़ से ऐसे टूटेगा तो क्यों नहीं ऊपर चला गया, क्यों नीचे ही आया। ठीक है, तो कोई फोर्स, कोई इसको इसको खींच रहा था ना तभी तो ये नीचे आया है, कोई तो भाई सेब को खींच रहा है तभी तो ये नीचे आया है ना। तो वो कौन खींच रहा है, वो अर्थ खींच रही है, क्या कर रही है, अर्थ अपनी तरफ खींच रही है। और जो फोर्स का नाम है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, यहीं से न्यूटन को जब पता लगा था तो न्यूटन ने पूरा फिजिक्स बना दिया। ठीक है, यही कारण है। ठीक, वहीं से हमारा क्या आया, ग्रेविटेशन। कॉन्टैक्ट फोर्स में पता लगा, कॉन्टैक्ट फोर्स पांच प्रकार के जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाइड फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, समझ में आया, अच्छा लगा। चलो क्लास में और बेटर तरीके से हम लोग जानेंगे, समझेंगे और चीज़ों को और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तो यहाँ पे बस एक ओवरव्यू है। ठीक है, क्लास में अब हम लोग जितना भी हम लोग पढ़े थे ना उसको एक अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले आ जाओ ना फ्रिक्शनल फोर्स पे, आ जाओ फ्रिक्शनल फोर्स। देख लो कॉन्टैक्ट कैसे है, कैसे ये कॉन्टैक्ट फोर्स में आ रहा है, कहाँ पर कॉन्टैक्ट हो रहा है, कैसे लग रहा है। देखो बक्सा है, ठीक है, मैं तुम्हें बोलूँ कि बक्सा को अपनी तरफ खींचो तो मजा आ जाएगा, लेकिन अगर समझ लो यहाँ पे कंकड़ पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, रस्ते तुम्हारे अच्छे नहीं है, स्मूथ रास्ता नहीं है, कंकड़ है, पूरा कंकड़ ऐसे बिछा हुआ है, और तुम्हारा दोस्त या बगल में खींच रहा है बक्सा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि किसी कोई आदमी तेल नीचे तेल स्प्रे कर दिया है, तेल यानी कि यहाँ पे क्या कर दिया, ऑयल गिरा दिया, ऑयल भी बहुत ढंग से ऑयल गिरा दिया। ठीक है, तुम कहोगे यार नहीं मैं नहीं खींचूंगा, तो भी खींचूंगा क्योंकि तुम्हारा जो ये जो यहाँ पे कंकड़ पत्थर है, ये जो लाल रंग के कंकड़ पत्थर है, ये तुम्हें अच्छे से नहीं खींचा रहा है, क्यों, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ देंगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की, कंकड़ पत्थर जो है, ठीक है, वो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ की तरफ मारेंगे, पीछे की तरफ मारेंगे। ठीक है, तुम अपनी तरफ खींचोगे लेकिन ये भी सब एक कॉन्टैक्ट हुआ है ना, ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है कॉन्टैक्ट के कारण फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, उसको हम लोग फ्रिक्शन के चैप्टर में अच्छे से रिवाइज करेंगे। तुम अभी बस ये जानो कि ये जो कॉन्टैक्ट हुआ है कॉन्टैक्ट के कारण एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा जो मोशन को अपोज करेगा, मोशन इस डायरेक्शन में है ना, फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में लग जाएगा। इसके पास भी फ्रिक्शनल फोर्स है लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स इसके पास कम है और इसके पास फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि कंकड़ पत्थर नीचे है और इसके नीचे ऑयल है, ऑयल है तो स्मूथनेस बढ़ गई, स्मूथनेस
ये तो तुम्हें पता ही है यार, बचपन से करते आ रहे हो। ठीक है, पहिया लगा दो ज्यादा से ज्यादा, ठीक, अलमारी इधर से उधर चलानी होती तो नीचे पहिया पहिया लगा दो, अलमारी पूरा इधर से उधर चला दो, क्योंकि अलमारी चार लोग करते हैं, तुम पढ़ करके बाजार से रोलर खरीद के लाओ और अलमारी इधर उधर कर दो। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर पढ़ाई लिखाई करोगे बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है, समझने लगते हो, ठीक, फ्रिक्शनल हो। ठीक है, ये होता है कॉन्टैक्ट के कारण है, इनमें सबसे पहले आ गया फ्रिक्शनल, और आपको दिख गया कॉन्टैक्ट कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट है इस एरिया में, इस एरिया में कॉन्टैक्ट है, लगा। चल आगे बढ़ते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, अब सेकेंड आ गया है तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन, देख लो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ये समझना थोड़ा टफ है क्योंकि पहली बार तुम इसको समझ रहे होगे या फील कर रहे होगे। चलो मैं तुम्हें देखता हूँ। चलो ये समझ लो, यहाँ पे बुक है, बुक के ऊपर ये टेबल है, टेबल के ऊपर तुम्हारा क्या रखा है, बॉक्स, बॉक्स रखा है और ये टेबल है। ठीक है, मैं पूछता हूँ ध्यान से सुनो। ठीक है, अगर लेट अस से कि बॉक्स क्या हो, टेबल है, टेबल अचानक से गायब नहीं है, लेट अस से गायब हो गया, खत्म, टेबल है ही नहीं उस जगह पे और बहुत कम सेकंड में तुरंत अचानक से क्या हो गया, टेबल क्या हो गया, गायब हो गया टेबल। ठीक, तो अब बताओ बॉक्स का क्या होगा, बॉक्स कहाँ जाएगा, तुम कहोगे यार बॉक्स नीचे गिर जाएगा, सही बात है, अगर बॉक्स नीचे गिर गया, ठीक है, टेबल हट गया तो बॉक्स नीचे गिर गया, सही बात है, लेकिन बॉक्स नीचे गिरा क्यों, अगर टेबल हट गया तो बॉक्स नीचे गिरा क्यों, ठीक है, टेबल हट गया तो बॉक्स नीचे गिरा क्यों, तुम कहोगे यार सर 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 देखिए ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके कारण क्या हो गया, बॉक्स नीचे गिर गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है, सही बात है, उसके कारण क्या हो गया, बॉक्स नीचे गिर गया, सही बात है, मैं कहूँगा एकदम सही लड़के, सही जा रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा बाबू एक बात बताओ, ठीक है, जब टेबल यहाँ पे था तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, ठीक है, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था, तो तब ये क्यों नहीं गिरा, तो तुम कहोगे कि सर क्यों नहीं गिरा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टेबल था, तो हम कहेंगे यार टेबल था उससे क्या मतलब है, फोर्स को लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है तो उसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है, तो तुम फोर्स में पड़ जाओगे, बात तो सही है यार, ठीक है, ग्रेविटेशनल जब टेबल था तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब टेबल था तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, तब क्यों नहीं गिरा, ये फोर्स तो इसको देखो बॉक्स पे फोर्स कहाँ गिरा, नीचे की तरफ लग रहा है, इसको तो गिर जाना चाहिए, टेबल हट गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ गिर गया, लेकिन टेबल था तब भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी, ये तब नहीं लग रही थी, तुम फोर्स में पड़ जाओगे, तुम कहोगे हाँ यार तब भी तो लग रही थी, लेकिन तब क्यों नहीं गिरा, ठीक, यानी कि बाबू देखो तब इसलिए नहीं गिरा क्योंकि इसके ऊपर टेबल भी एक फोर्स मार रहा है, टेबल इसके ऊपर एक फोर्स मार रहा था जो कि नॉर्मल रिएक्शन था, ठीक है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन, यानी कांटेक्ट होने के कारण एक रिएक्शनरी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कह सकते हो, कुछ भी कह दो, नॉर्मल रिएक्शन को कुछ भी कह दो, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा इसकी तरफ ऊपर की तरफ जिसकी वैल्यू बराबर थी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर इसने वैल्यू कर रखी थी, ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, दोनों फोर्स मिल करके बैलेंस कर लिए, जब इसके ऊपर था तो दोनों फोर्स मिल करके बैलेंस कर लिए, ठीक है, यानी कि R इज इक्वल टू एफ जी हो गया था, दोनों फोर्स मिल करके बैलेंस कर लिए, इसलिए क्या हुआ, इसलिए जब बक्सा टेबल के ऊपर रखा था तो बक्सा नीचे नहीं गिरा, लेकिन समझ लो, तो दैट इज अ नॉर्मल रिएक्शन, चंदन इज अ केस ऑफ केस विद दिस गर्ल, इस लड़की के साथ यही केस है, ठीक है, ये जो भार है ना, भार जो वेट इसने लिफ्ट किया है, इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा ना, ऑब्वियस की बात है कि लग रहा होगा, लेकिन ये अपने जो हाथ है, हाथ से कहाँ की तरफ लगा रही है, फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, ठीक है, ये जो अपने हाथ है उससे फोर्स ऊपर की तरफ लगा रही है, दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, एंड अगर ये स्टेशनरी है, दिस इज अ स्टेशनरी, वो वाला नहीं डिपेंड करते, स्टेशनरी यानी रुका हुआ है, अगर ये रुका हुआ है उस केस में क्या होगा, जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन,
ठीक है, तुम समझ जाओगे। नॉर्मल रिएक्शन है जो नीचे का फोर्स लग रहा है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, तभी तो दैट इज ए स्टॉप कंडीशन। स्टॉप की कंडीशन है, फोर्स बैलेंस है, तभी तो स्टॉप की कंडीशन आई है, ठीक है। तो दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन। और ये हुक हो रहा है, ये दैट इज अ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखो तुम्हें एक कॉन्टैक्ट दिख रहा है, कॉन्टैक्ट है ना, अगर कॉन्टैक्ट है तभी तो ये एक्टिव हुआ है, अगर कॉन्टैक्ट होता ही नहीं तो क्या होता, ये एक्टिव होता ही नहीं, एक्टिव होता ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ टेंशन, देखो टेंशन जो तुम लोग टेंशन लेते हो, एग्जाम वाला टेंशन, ये टेंशन नहीं है, ठीक है। ये दूसरा टेंशन है, ये रोप का टेंशन है, यानी कि रस्सी का टेंशन, रोप का टेंशन है, जो तुम एग्जाम के लिए टेंशन लेते हो वो नहीं है, ठीक है। तुम कहोगे यार रोप का टेंशन भी क्या, रस्सी में भी टेंशन होता है, रस्सी का टेंशन लेता है, हाँ बाबू फिजिक्स में रस्सी भी टेंशन लेता है, ठीक है। और इस टेंशन को हम लोग फोर्स के नाम से जानते हैं, टेंशन को, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, दैट इज अ टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट। देखो जैसे रस्सी कैसी होता है, ठीक है, देखो पहले रस्सी कैसी थी, ऐसे लुंग तुम जैसे पड़ी हुई थी, ऐसे लुंग पड़ी हुई, तुम यहाँ पे कुछ ला करके टांग दिए, ठीक है, जैसे ही टांगे रस्सी ऐसे हो, ठीक। देखो वेट कहाँ की तरफ लग रहा है, वेट इस बॉडी में, जैसे ही तुमने टांगा रस्सी एकदम सीधी होगी, जैसे ही तुमने टांगा वेट नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। और उस वेट के कारण देखो टेंशन हो, रस्सी सीधी हो गई ना, ठीक, टेंशन रस्सी के अंदर की टेंशन है, वैसे में खिंचाव है, ठीक है, दैट इज अ टेंशन, एक टेंशन है, खिंचाव है, ठीक है, टेंशन ये ऊपर की तरफ लग रहा है, एम जी तुम्हारा कहाँ तक लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज ऊपर, ये नीचे, ठीक है। तो P इज इक्वल टू एम जी, टेंशन इज इक्वल टू एम जी, P इज इक्वल टू एम जी, ठीक है, टेंशन इज इक्वल टू एम जी, P इज इक्वल टू एम जी। जब अब स्टेशनरी कंडीशन में बराबर ही होगा ना भाई, अगर स्टेशनरी मतलब स्टॉप कंडीशन, स्टॉप कंडीशन अगर ये रुका हुआ है, इट इज अ रेस्ट, इट इज एट रेस्ट, अगर रेस्ट पे है, स्टेशनरी कंडीशन है, तो दैट मीन्स जो रस्सी ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, टेंशन यहाँ पे जो कार्य करते हैं ऊपर की तरफ टेंशन फोर्स लगा रही है, वो दैट इज इक्वल टू एम जी, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसके बराबर ही है, पी इज इक्वल टू एम जी, ठीक है। टेंशन फोर्स आ कहाँ से रहा है, कॉन्टैक्ट जैसे ही किया, जैसे ही इसने कॉन्टैक्ट यहाँ से बनाया, रस्सी में खिंचाव आ गया, खिंचाव आ गया, दैट इज अ टेंशन, ठीक है। जो खिंचाव आ गया रस्सी में, दैट इज अ टेंशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक आराम से धीरे धीरे चले गए, ठीक है, क्या करेंगे आराम से धीरे धीरे चलते, ठीक है। अब तुम्हारा क्या दिया ना कि बाबू जैसे रस्सी है ना वैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जैसे रस्सी वैसे स्प्रिंग, ठीक, इसमें क्या हो रहा है, ठीक है। देखो पहले क्या था, रेस्ट कंडीशन का कुछ नहीं था भाई, इसके ऊपर लोड फोर्स कुछ नहीं था, ठीक, ऐसे पड़ी हुई थी, जैसे ही तुमने लोड लगाया, ये क्या हो गई, ये रेस्ट कंडीशन यहाँ से सरक के यहाँ पे आ गई, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ गया ना, स्प्रिंग कैन इलांगेट, रस्सी तो इलांगेट नहीं कर सकती है, स्प्रिंग कैन इलांगेट, ठीक है, इसके कारण एक फोर्स लगा ना, ये एम जी नीचे की तरफ लगा, स्प्रिंग भी इसको अपनी तरफ खींचेगी, स्प्रिंग अपनी तरफ खींचेगी ना, ठीक है, स्प्रिंग इलांगेट करोगे तो अपनी तरफ खींचेगी, ठीक है, दैट इज द स्प्रिंग फोर्स। और वो आया कैसे है, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट के कारण आया है, तो दैट वाई इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इस कॉन्टैक्ट के कारण एक टेंशन, स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स आ गया, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। और हम लोग स्प्रिंग रस्सी सब हम लोग हायर क्लास में अच्छे से देंगे, अभी तुम बस ये जानो कि इसको कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कॉन्टैक्ट में आने के कारण जो फोर्स प्रकट हो रहा है उसमें कितने प्रकार है, ये सब एक प्रकार है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अरे वाह खत्म हो गया, ठीक है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स का डिस्कशन हमारा ओवर हो गया है, ठीक है। क्लासरूम में हम आओ, इंटरेक्टिव होगा, तुम भी पूछोगे, हमें पूछोगे, तुम्हारे सारे डाउट क्या किया जाएगा, सॉल्व किया जाएगा, तो दैट इज अ कॉन्टैक्ट, ये कॉन्टैक्ट फोर्स खत्म हो गया। अब तो हमारे पास क्या आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी कि तुम्हें तो बताया भाई कि कॉन्टैक्ट होगा तो फोर्स होगा, लेकिन नॉन कॉन्टैक्ट यानी कि कॉन्टैक्ट ही नहीं हुआ तो फोर्स कैसे होगा, ठीक है। तो चलो और में हम कहाँ पर ले जाते हैं, बचपन में ले जाते हैं, ठीक है। बचपन में तुम क्या करते थे, बचपन की एक्टिविटी करते, ठीक, ये तुम्हारे पास दो मैगजीन था, M1 और M2, ठीक। तुम क्या करते थे, इसको ऐसे करीब जाते थे, ठीक। M2 क्या होता था, थोड़ा सा ऐसे करीब ले, अचानक से देखोगे M2 एकदम चिपक जाता,
ठीक है। अचानक से क्या होता था, एम टू एकदम चिपक जाता था, धीमे धीमे करीब जा रहा था, अचानक से एम टू चिपक गया, ठीक है। तो जब तुम इसको एम वन को यहाँ से यहाँ तक ले आए, एम वन को यहाँ से यहाँ तक ले आए, ऐसा क्या हो गया कि एम टू एकदम चिपक गया, ऐसा क्या हो गया, ठीक है। दैट इज अ दो मैगनेट था तुम्हारे पास, तुम इसका एक्सपेरिमेंट हमेशा क्यों, दैट इज अ बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, ठीक है। क्या करते हैं, आ जाते चिपक जाते हैं, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स होती है, अट्रैक्ट करती है, तुम इसको धीरे धीरे पास लाए, अट्रैक्टिव फोर्स और बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हो गया, पास आ चुके, दैट इज अ मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो मैग्नेट है M1 और M2, तुम एक और चीज़ चेंज करते हैं, M1 और M2, अब तुमने M1 को क्या कर दिया ना, M1 को तुमने ऐसे पलट दिया, ठीक है, यानी ये वाला जो फेस था उसको इधर लिया। अब क्या करते हो, जैसे ही तुम M2 के पास जाते हो, ठीक है, तुमने आगे बढ़ के M2 के यहाँ किया, यहाँ से यहाँ किया, ठीक है, तो देखो M2 क्या हो गया, और भाग गया और दूर चला गया, ठीक है। देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी M2 क्या हो गया, भाग गया और पास ले गए, भाग गया और दूर चला गया, ठीक है, और पास ले गए और दूर चला गया। वाई इट इज सो, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स के कारण ही ऐसा हो रहा है, जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जिसमें बिना कॉन्टैक्ट के भी मूवमेंट पॉसिबल है। फोर्स तो होगा ही ना, फोर्स है ही है यार, बट इट इज़ अ नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक, बिना कॉन्टैक्ट के भी जो भी फोर्स के वो है अफेक्ट है वो हो गए, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स जस्ट एज द सेम एज इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या इलेक्ट्रिकल फोर्स कह सकते हो, इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो भी ये इट इज बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज, बिटवीन टू चार्ज बॉडीज, यहाँ पर भी चार्ज बॉडीज, यहाँ पर भी देयर इज नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की कोई जरूरत नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, दैट्स व्हाई, इसी कारणवश इन दोनों को क्या बोलते हैं, इसी कारण इन दोनों को बोलते हैं, इसी कारण नो नीड ऑफ कॉन्टैक्ट, इसी कारण इन दोनों को बोलते हैं नॉन कॉन्टैक्ट। उसमें से इसी क्रम में एक और है, दैट इज तुम हमेशा से देखते आ रहा हो, ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा से देखते आ रहा हो, ठीक है। ऐसे टेबल है, टेबल के ऊपर तुम ऐसे खड़े हो, ऐसे जंप करते हो, नीचे आ जाते हो, ठीक है। तो जब तुमने जंप किया तो तुम्हें नीचे कौन ला रहा है, दैट इज अर्थ, धरती माई तुम्हें नीचे ला रही है, एंड ड्यू टू द कौन सा फोर्स के कारण नीचे ला रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो जब तुम यहाँ से यहाँ ऐसे कूदे तो क्या तुम्हारे और धरती के बीच में कॉन्टैक्ट था, नहीं था ना, कॉन्टैक्ट नहीं था, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट की जरूरत नहीं है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो ओके एंड थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर इसी पे हम लोग करेंगे, लॉज ऑफ मोशन का सेकंड लेक्चर, दैट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो क्लास का इंतजार करो और वीडियो देख लिया करो, क्लास में आने से पहले ये जरूर वीडियो देखें और सारी वीडियो देख के बारे में पढ़ती रहेंगे। और क्या है कि रेगुलर क्लास में आइए, क्लास को इंटरेक्टिव बनाइए। थैंक यू, बस इतना ही कहना था, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो।